राकेश रंजन हमारे दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है मधुबनी से। राकेश रंजन जी मेरे साथ फोन लाइन पर है, नमस्कार जी। नमस्ते मैडम बताइए सर क्या हाल चाल। जी। जी बढ़िया बढ़िया बताइए किस टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं। जी। हमने जो है वोडाफोन आइडिया का जो है 11 रुपये प्रति शेयर हमने जो है लगभग 1300 हमने बाय किया हुआ था, ओहो जिसका जो है मेरा एंड ऑफ द ईयर मेरा जो है टारगेट बना हुआ है। हाँ मतलब क्या मतलब करना चाहिए वो आप बता दो। आप एंड ऑफ द ईयर क्या कहा आपने, मैं सुन नहीं पाई। जी ये साल का अंतिम तक हमने होल्ड सोचा है कि करने इसको रखना चाहते हैं। ठीक है ठीक है जी इसको क्या करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में। ठीक है, झटपट आपको सलाह देते हैं। आपकी बाइंग प्राइस 11 की है ना, मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। 11 पे खरीदा है, जी जी मैम। ओके परफेक्ट। अक्षय आपके पास आऊंगी, बताइएगा नियर टर्म आउटलुक ही है इनका इस साल के अंत तक। जी तो वोडाफोन आइडिया अगर आप ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करें, जो वीकली प्राइस चार्ट है, 6 महीने का आपका नजरिया है, तो एक रेंज में सीमित है। एक चीज है बार बार 17-17.5 के स्तर पे इसमें काफी बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, तो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जोन है। मेरा रीडिंग है प्राइस देख के कि अगले 1-1.5-2 महीने तक तो शायद ये एक रेंज में सीमित रह सकता है, जहां पे लोअर एंड ऑफ द रेंज शायद 12.5 तक भी हो सकता है, रेंज में रहेगा, वॉल्यूम्स कम रहेगा। पर ये स्टॉक में अभी फ्रेश मोमेंटम का दौर आने के लिए 17-17.5 का ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। तो अगर अगर आपका नजरिया 1-2 महीने का है तो मेरे हिसाब से एग्जिट लेना है। अगर दिसंबर तक आपको रखना है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके 11 तक रखना है। मोमेंटम तभी मिलेगा जब 17.5 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, उस केस में टेक्निकली फिर टारगेट आपका 19 से 21 तक बनेगा। तो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म के इन्वेस्टमेंट से आप होल्ड कीजिए। मोमेंटम जरूर आएगा पर अगले 1-2 महीने में तो शायद न्यूज नहीं रहेगा, इसमें कोई एक्शन नहीं रहेगा, तब तक स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित होने का मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है स्टॉक, अगर अच्छा एक्शन देखना है तो वो 17.5-17.5 के ऊपर ब्रेकआउट देने पर दिख सकता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। तो दिल्ली से SK बंसल जी हमारे साथ शामिल है, नमस्कार बताइए। नमस्कार, मेरे पास बंधन बैंक के शेयर है 400 जी, 205 रुपए भाव पे खरीदे हैं जी। और आपका नजरिया क्या है, आप कितना लंबे समय के लिए? 6 महीने जी बिल्कुल ठीक है। अक्षय जी आपके पास ही आना चाहूंगा, बंधन बैंक पर इनकी खरीदारी है, अगर इनका खरीदारी वाला रेट देखे तो एक्चुअली स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई शायद 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि इसमें काफी उतार चढ़ाव, काफी वॉलिटिलिटी नजर आ रही है। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है, साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए क्योंकि इसमें काफी फ्लक्चुएशंस देखने मिल रहा है। जी देखिए, ये स्टॉक जो रिसेंटली एक सपोर्ट बना था वीकली प्राइस चार्ट पे वो करीबन 170 के आसपास था। आप 2020 में देखिए करीबन जो ऑल टाइम लो लेवल है स्टॉक का वो शायद 170 180 ही था, जहां से कुछ अच्छी खासी रिकवरी उसके बाद हमने देखी थी। तो बहुत ही एक अहम सपोर्ट से वापस और एक बार स्टॉक रिबाउंड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर आप 3 से 5 महीने का अगर ओवरऑल व्यू रखते हैं तो स्टॉक में एक रिबाउंड है, रिकवरी रैली के स्ट्रॉन्ग संकेत दिख पा रहे हैं मुझे। तो अगर ये रिकवरी आती है तो आपको जो लेवल देखने हैं वो है 235 से 240। तो ये रिकवरी रैली 240 तक हो सकता है, तो आपको बने रहना है। 235-40 का लेवल अगर मिल जाए जल्दी आपको वहां पे एक बार मुनाफा बांध लेना है, क्योंकि लॉन्गर टर्म या में अभी तक कुछ बड़ी डायरेक्शनल तेजी का संकेत नहीं है, रिबाउंड रैली का एक्सपेक्टेशन है। रिस्क 165 के नीचे है तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, पर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हाई है कि शायद 240 छू जाए और वहां पे आपको एक बार मुनाफा बांधने का मौके मिले। तो ये है सलाह बंधन बैंक पर आपके लिए।